एक समान वृत्तीय गति व अभिकेंद्र त्वरण, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्सीलरेशन। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। माना कि कोई कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वह कैपिटल R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। इसकी इस वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल v है और वह वृत्त के अनुदिश लगातार गति कर रहा है। क्योंकि वस्तु के वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन होगा, अतः इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। इस त्वरण का परिमाण व दिशा हमें यहाँ ज्ञात करनी है। वृत्तीय गति में वस्तु के त्वरण की दिशा सदैव मार्ग के केंद्र की ओर होती है। मार्ग के केंद्र की ओर त्वरण की दिशा होती है, इसलिए इस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कह रहे हैं। माना कि किसी क्षण t पर कण की स्थिति a पर है, किसी क्षण t पर इस वृत्ताकार मार्ग में जो r त्रिज्या का है उसमें कण की स्थिति a पर है और उसका वेग v है। t प्लस डेल्टा t सेकंड में वह इस वृत्ताकार मार्ग में डेल्टा s दूरी चलकर बिंदु b पर पहुंच जाता है। ये इस प्रकार से यहाँ डेल्टा s दूरी चलता है और चल करके b पर पहुंच जाता है। जैसे ये b पर पहुंचता है t प्लस डेल्टा टी सेकंड में, वहाँ पर इसका वेग बदल जाता है और वेग वी प्लस डेल्टा वी हो जाता है। परंतु ए पर भी उसकी चाल वी बनी रहती है, बी पर भी उसकी चाल वी है। इस प्रकार से ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है इसके कारण त्वरण उत्पन्न होगा और इस त्वरण की दिशा हमेशा मार्ग के केंद्र की ओर रहेगी। माना कि प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति बी मार्ग के केंद्र पर डेल्टा थीटा का कोण बनाती हैं। प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति बी मार्ग के केंद्र ओ पर डेल्टा थीटा का कोण बना रही है। इसे हम यहाँ नीचे चित्र में पृथक से बताया गया है। ये ओ से ए और ये आपका ओ से बी गया था और इस प्रकार से ये दोनों स्थितियाँ यहाँ पर डेल्टा थीटा का कोण बना रही हैं और इस प्रकार से इसका ये यहाँ पर विस्थापन होता है। तो आप सभी जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण डेल्टा थीटा बराबर चाप, देखिए यहाँ पर ए बी बटे त्रिज्या ओ ए,
चूंकि OA का मापांक बराबर OB का मापांक बराबर आपको बताया गया उसकी चाल V ही रहेगी। अब हम इसको डेल्टा थीटा इक्वल टू, इसको वेग के पदों में लिख रहे हैं तो AB का वेग के पदों में वैल्यू डेल्टा V बटे आपका हो जाएगा V। दोनों तरफ डेल्टा T से भाग देने पर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा T बराबर डेल्टा V बटे V इंटू डेल्टा। किंतु कोण बराबर दूरी के पदों में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा डेल्टा एस बटे। यदि इस डेल्टा थीटा को मैं दूरी के पदों में लिखूं तो ये हमारी दूरी जो देख रहे हैं आप डेल्टा एस चल रहा है चित्र एक से, ये चित्र एक जो हमने बनाया इसकी मदद से आप निकालना चाह रहे हैं। ये जो चित्र दो था इसको वेग के पदों में हमने बताया था तो ये जो निकला था चित्र दो की मदद से मैंने निकाला था। तो इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/r डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/v डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। वी एक समान चाल है वो समय पर निर्भर नहीं है, लिमिट के बाहर आ गई, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। 1/r इसको आप लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी प्रथम बार अवकलन बराबर 1/v डी वी बाई डी टी। किंतु आप सभी जानते हैं वेग v बराबर स्थिति का समय के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन व a बराबर डी वी बटे डी टी। इस मान को पिछले समीकरणों में आप रखिए तो हो जाएगा 1/r इंटू वी इक्वल टू 1/v इंटू त्वरण, फिर एक गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू ए, तो आपका अभिकेंद्र त्वरण का ये मान हुआ। तो इस प्रकार आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग के अनुदिश चलते हुए वी चाल से गतिमान वस्तु के त्वरण का परिमाण a बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस कारण इस प्रकार के त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण करते हैं। इस प्रकार किसी r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ के अनुदिश चलते हुए v चाल से गतिमान वस्तु के त्वरण का परिमाण बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी कारण इस प्रकार के त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। हम जानते हैं कि कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। इसलिए ओमेगा बराबर
डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी तथा वी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अभी आपने देखा था डेल्टा थीटा इक्वल टू चित्र एक से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या डेल्टा एस अपॉन आर। तो यहाँ से डेल्टा एस का मान रख देंगे, इसलिए वी इक्वल टू डेल्टा एस का मान रखिए आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा थीटा का मान निकला, इस डेल्टा थीटा के मान को यहाँ पर हम रख रहे हैं, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर है, इसलिए डेल्टा एस बराबर आर इंटू डेल्टा थीटा। तो ये आपका हो जाएगा वी इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन टी, इसलिए वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो ये था रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध, रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध। ये जो v का मान निकला, आप इसको अभिकेंद्र त्वरण के मान में रखिए, तो a इक्वल टू v की जगह रख देंगे r ओमेगा का स्क्वेयर अपान r। तो आपका हो जाएगा r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपान r, एक एक r डिवाइड हो गया, तो आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर r। तो इस प्रकार से आपके पास ये अभिकेंद्र त्वरण का अगला व्यंजक हो गया, यह अभिकेंद्र त्वरण का हमारे पास अगला व्यंजक हो गया। माना कि हमारा समीकरण एक था, ये हमारा समीकरण दो, ये हमारा समीकरण तीन, ये मान तीन में रखा हमने, तो ये हमारे पास अभिकेंद्र त्वरण का नया समीकरण निकला। ये आपका इन दोनों में संबंध था, v बराबर r ओमेगा, ये मान एक में रख दिया, तो इस प्रकार a इक्वल टू मान रखा एक में हमने r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r r, तो ओमेगा स्क्वायर r। तो ये आपके पास अभिकेंद्र त्वरण के आपके पास दो वैल्यूज़ हो गई, एक आपका a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और अगली वैल्यू a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपान आर। बच्चों अभी हमने निकाला a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसको आप अलग अलग कर दें समीकरण एक में v अपॉन v बाई आर, अभी हमने v और ओमेगा में संबंध निकाला था जिसको हमने v इक्वल टू आर ओमेगा कहा था समीकरण नंबर चार में। तो आप उसी प्रकार समीकरण चार से v बराबर ओमेगा इंटू आर था, तो हो जाएगा v बाई आर इक्वल टू ओमेगा। तो देखिए अभिकेंद्र त्वरण का एक नया व्यंजक हो गया v इंटू ओमेगा। तो इस तरह से अभिकेंद्र त्वरण के आपके पास तीन सूत्र हो गए, एक a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दूसरा ओमेगा स्क्वायर आर और तीसरा v इंटू ओमेगा, इसको हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। वृत्त का एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है तथा एक सेकंड में वस्तु उस मार्ग का उस वृत्तीय मार्ग का उस वृत्तीय मार्ग का जितना चक्कर लगाती है
उसे आवृत्ति न्यू कहते हैं, परंतु वस्तु एक चक्कर में इतने ही समय में टू पाई आर दूरी तय करती है। इसलिए चाल v बराबर टू पाई आर अपॉन टी, या v अपॉन आर इक्वल टू टू पाई अपॉन टी। किंतु आपने समीकरण चार से देखा था v बटे आर बराबर ओमेगा, तो आपका हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन टी। तो इस तरह अपने पास ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन टी निकला। किंतु आप सभी जानते हैं आवृत्ति न्यू बराबर एक बटे टी, इसलिए ओमेगा को हम कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं, टू पाई न्यू। अब देखिए, इसलिए चाल का भी आप आवृत्ति के संबंध में संबंध निकाल सकते हैं। चाल v बराबर आपने पढ़ा r इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए टू पाई न्यू, तो आपका टू पाई न्यू इंटू आर, ये v का संबंध गया, v का भी मान निकल गया, ओमेगा का भी मान निकल गया। इसलिए अभिकेंद्र त्वरण a बराबर आपने सूत्र पढ़ा था v इंटू ओमेगा, तो a इक्वल टू v का मान रखिए टू पाई न्यू इंटू आर, ओमेगा का मान रखिए टू पाई न्यू। तो एक देखिए नया सूत्र मिल जाता है, ए इक्वल टू फोर पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर आर। तो देखिए अभिकेंद्र त्वरण जो है, चूँकि मार्ग की त्रिज्या नियत है, चक्कर लगाने की आवृत्ति नियत है, इसलिए अभिकेंद्र त्वरण भी नियत रहता है। तो जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो वह एक नियत त्वरण से गति करता है, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये उसका मान नियत हो जाता है, यहाँ देखिए आप फोर भी नियत, पाई भी नियत, न्यू भी नियत, आर भी नियत, तो वह सदैव एक नियत त्वरण से गति करेगा और जिसकी दिशा हमेशा मार्ग के केंद्र की ओर होगी। आइए अब हम इसकी दिशा जो हमने स्पर्श रेखा में बनाया ये कैसे आया। तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी में यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, यदि आप ए को बी से मिला दें तो ये इस प्रकार से ओ ए बी त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बराबर ओ बी बराबर मार्ग की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए बराबर एक्स। त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होती है, दोनों भुजाएं बराबर हो गई इसलिए इसके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, जिसको हमने एक्स ले लिया, ये माना कि एक्स है, ये भी हमारा एक्स है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग बराबर 180 अंश। तो पहला कोण देखिए x है, दूसरा कोण x है, तीसरा कोण डेल्टा थीटा बराबर 180 अंश। x में x जोड़िए 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा, या x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा अपॉन टू, या 180 डिग्री अपॉन टू माइनस डेल्टा थीटा अपॉन टू, तो 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई टू, तो एक्स लगभग 90 अंश हुआ।
अतः वी की दिशा सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो इस तरह अभिकेंद्र त्वरण के आपके पास व्यंजक हो गया a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, a इक्वल टू वी ओमेगा। फिर हमने ये संबंध निकाला आगे a इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। तो इस प्रकार से अभिकेंद्र त्वरण नियत रहता है, उसकी दिशा सदैव मार्ग के केंद्र की ओर होती है और वेग v की जो दिशा होगी वृत्ताकार मार्ग में हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी।